Hello guys, welcome back to my channel. So today we are starting the first exercise of a number system. So let's start it. So state whether the following the statement are true or false. So every natural number is a whole number. Yes, every natural number is a whole number. Either it is a positive or a negative. Okay. Then every integer is a whole number. No. Every integer can't be a whole number because integer are the positive integer also, negative integer also. Then every natural number is a whole number, false. Like for example, 1 upon 2 is the example, it cannot be a whole number. Okay. Then we read our first question. Like, is 0 a rational number? Can you write in it the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0? हाँ, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम दे रखा है, 0 अपॉन 1 इट इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि 0 जो है, 0 इज़ अ न्यूमरेटर एंड 1, अगर हमें पता है ना, अगर ऊपर न्यूमरेटर पे अगर मतलब न्यूमरेटर लिखा हुआ है और नीचे कुछ नहीं है, उसे हम 1 ही कहते हैं. सो 0 अपॉन 1 इज, यस, इट इज़ अ रैशनल नंबर. सो हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इट कैन, वी कैन राइट अ 0 एज अ 0 अपॉन 1 इन विच द p बाय q फॉर्म, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, सो देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर. फिर यहाँ पे आ जाते हैं सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए दोस्तों, ध्यान से. मैं बोला है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है, एंड फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5. इसमें आपने कुछ नोटिस किया? हाँ बिल्कुल, न्यूमरेटर अलग है लेकिन डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ दिया नहीं, तो इसको हम कैसे करेंगे, हम समझते हैं. आ जाइए, इधर आ जाइए, ठीक है. जैसे कि देखिए यहाँ पे रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर्स हमें फाइंड करना है, तो उसके क्या है, यहाँ पे तीन तरह के हैं फाइंड करने के. फर्स्ट है नो डिनोमिनेटर, जो मैंने आपको भी दिखाया, और सेम डिनोमिनेटर जैसे हमने दिखाया, और डिफरेंट डिनोमिनेटर. सबसे पहले हम नो डिनोमिनेटर वाला कर लेते हैं, सेम डिनोमिनेटर डिफरेंट डिनोमिनेटर हम बाद वाली क्लास में कर लेंगे, ठीक है. अब आ जाइए, हमें यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे हमने दिखाया था, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6. अब इसके दो तरीके हैं जिसमें हम इसके मतलब दो तरीके फाइंड करने के, एक तो आपको मैं अभी समझा रहा हूँ, दूसरा हो सकता है कि आप इसको अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं दे रखा, तो डिनोमिनेटर में आप 100 या फिर 10 लेके डिजिट कर सकते हो, जितनी डिजिट ऊपर दिया, चाहे वो 2 डिजिट हो 3 डिजिट हो. तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे नो डिनोमिनेटर वाला, लेट फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बोला है हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करने को, तो हम क्या करेंगे, इससे ना जो नंबर है इसको हम इसका बाद वाला नंबर लेके वही से इसको डिवाइड कर देंगे. जैसे कि 6 के बाद हमारा क्या आता है, 7, तो हम क्या लिख देंगे, 5 into 7 upon 7, और नीचे तो हम ऐसे 1 लिख सकते हैं कोई बात नहीं, तो इसका क्या आ गया, 35 upon 7. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ रहा है, 7 into 7, 5 is 35, ठीक है. वैसे हमारा यहाँ पे कट दिया 6 into 7 upon 7, तो 6 7 7 7 6 42, सिंप्लीफाई करके 6 upon 7 आ रहा है, ठीक है. तो हमने इसे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब हमारे रिप्रेजेंट करने में मतलब फाइंड हमारा रैशनल नंबर निकल गया, क्योंकि 35 और 42 के बीच में कितने बोले थे, 6 बोले थे, तो यहाँ से आ गया 35 36 37 38 39 40 42. फाइंड द 6 रैशनल नंबर्स आर देयर ऑफ 5 एंड 6. ये तो हमारा नो डिनोमिनेटर वाला ही है, ठीक है. हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 7 अपॉन 8. तो ये भी बहुत ईजी है, देखो यहाँ पे 5, अब देखो बच्चों कभी भी ये गलती मत करना, हमने यहाँ इसको, हमें इसके ये जो नंबर दिया हुआ है 5 रैशनल नंबर, हमें इसका आगे मतलब 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है, और उसको डिवाइड करना है. कभी आप ये मत करना कि इसका 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है, तो हमने 7 8 से कर दिया, और 8 के बाद क्या आता है, 9 से कर दिया. जैसे कि यहाँ पे हमने गलती करी थी, तो मैंने यहाँ पे काट दिया, एक बच्चे ने गलती करी थी, जिसे हमने दिया था क्वेश्चन, तो उसने क्या किया, फिर से किया, तो यहाँ पे 5 के बाद 6 आता है, तो हमने 6 से कर दिया 42. सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 7 42, और यहाँ पे 8 7 6 8 48. फिर हमारे यहाँ पे 5 रैशनल नंबर निकल गया 42 43 44 अपॉन 6 45 अपॉन 6 46 47 48, ठीक है. फिर उसके बाद आता है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4. ये और एक एग्जांपल आप ध्यान से देख लीजिए, हमने यहाँ से 6 थे, 6 का 7 वैसे ही हो गया, ठीक है दोस्तों, जो एक एक्सरसाइज वाला था. अब यहाँ पे जो हमारा दो है, जो हमारे दो बच्चे हैं, सेम डिनोमिनेटर और डिफरेंट डिनोमिनेटर, ये हमारी नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, मेरा नया चैनल है, अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी, धन्यवाद.